हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक नियोटिनी एंड पीडोजेनेसिस पर है। तो ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नियोटिनी एंड पीडोजेनेसिस में हम यहाँ पे एम्फीविया के एग्जाम्पल को लेकर के जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर आर टू वर्ड, नियोटिनी एंड पीडोजेनेसिस। तो बहुत सारे जगहों पे लोग बोलते हैं नियोटिनी और पीडोजेनेसिस। तो नियोटिनी एंड पीडोजेनेसिस बोथ वर्ड्स आर नॉट द सिनोनिम ऑफ ईच अदर। ये दोनों वर्ड आपस में सिनोनिम नहीं है। अगर हम बात करें दोनों वर्ड का जूलॉजी में, या दोनों वर्ड की अगर हम बात करें तो आपका जूलॉजिकल मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। ठीक, तो सबसे पहले हम नियोटिनी को देखेंगे। तो नियोटिनी रिफर्स टू द रिटेंशन ऑफ, ठीक है, नियोटिनी रिफर्स टू द रिटेंशन ऑफ लार्वल और एम्ब्रियोनिक ट्रेट इन द एडल्ट बॉडी। मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें, आपका लार्वा से मेटामॉर्फोसिस होकर के एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लार्वा से एडल्ट का फॉर्मेशन मेटामॉर्फोसिस के जरिए होता है। अगर आपका लार्वा से ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस एडल्ट बने, ठीक है, आपका लार्वा से आफ्टर मेटामॉर्फोसिस अगर एडल्ट का फॉर्मेशन हो और एडल्ट में आपके जो है वो एम्ब्रियोनिक करेक्टर रिटेन करें, ठीक है, अगर हम बात करें आपके जो भी लार्वल करेक्टर थे वो एडल्ट में भी पाए जाएं, एडल्ट में भी रिटेन करें, तो इस टर्म को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, नियोटिनी कहते हैं। सो द डेफिनेशन इज नियोटिनी इज रिफर टू द रिटेंशन ऑफ लार्वल और एम्ब्रियोनिक ट्रेट इन द एडल्ट बॉडी। जो भी आपका लार्वल और एम्ब्रियो में आपके करेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो आपके एडल्ट बॉडी में भी पाए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें आपका पीडोजेनेसिस या आपका पीडोमॉर्फोसिस। ठीक है, तो दिस वर्ड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ड, क्योंकि आपका यहाँ पे एडल्ट के अंदर लार्वल करेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, आपके एडल्ट के अंदर लार्वल करेक्टर प्रेजेंट है। बट इन पीडोजेनेसिस इट इज रिफर टू द डेवलपमेंट ऑफ गुनैड। आपका गुनैड का डेवलपमेंट हो जाए, या आपका प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाई इमेच्योर लार्वल और प्री एडल्ट एनिमल। मीन्स आपका यहाँ पे लार्वा चेंज हो जाए, ठीक है, आपके यहाँ पे लार्वा के अंदर गुनैड का डेवलपमेंट हो जाए, या खुद आपका लार्वा यंग वंस को प्रोड्यूस करे। ठीक है, वो लार्वल फॉर्म ही होगा, यहाँ मेटामॉर्फोसिस नहीं हुई है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड पीडोमॉर्फोसिस। यहाँ पे आपका लार्वा, ये हम लोग बात करें प्री एडल्ट एनिमल, जो एडल्ट से पहले की स्टेज, तो लार्वल स्टेज आपकी, उसके अंदर गोनैड का प्रोडक्शन हो, उसके अंदर गोनैड का डेवलपमेंट हो जाए, या हम बात करें वो यंग वंस को प्रोड्यूस करे, तो ये आपका जो टर्म होता है या इस फिनोमिना को हम लोग पीडोजेनेसिस या पीडोमॉर्फोसिस बोलते हैं। सो द बोथ वर्ड आर डिफरेंट। नियोटिनी में आपका एडल्ट में लार्वल कैरेक्टर का पाया जाना, और अगर हम पीडोजेनेसिस की बात करें तो आपका लार्वा में ही गोनैड का डेवलपमेंट हो जाना। ठीक है, आपका लार्वा में ही गोनैड का डेवलपमेंट हो जाएगा इन पीडोजेनेसिस। तो होप सो आप दोनों वर्ड को अच्छी तरह से समझे होंगे, दोनों वर्ड की डिफिनीशन को अच्छी तरह से समझे होंगे। तो हम पहले नियोटिनी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ नियोटिनी आर, फिश का एक एग्जांपल देखेंगे कि जो भी आपका एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज होगा वो आपके एडल्ट में पाया जाए। ठीक है, एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज प्रेजेंट इन एडल्ट कॉन्ड्रिक्थिस फिश इज अ गुड एग्जांपल ऑफ नियो टिनी। और अगर हम लोग बात करें एम्फीबिया के टर्म में, तो आपका सेलेमेंडर के अंदर, ठीक है, सेलेमेंडर के एडल्ट में आपका लार्वल गिल्स की प्रेजेंस, ठीक है, सेलेमेंडर एक एग्जांपल है आपका एम्फीबिया का, तो सेलेमेंडर में आपके गिल्स की प्रेजेंस। इस तरीके से आप देखेंगे जो भी आपका सेलेमेंडर का ये माउथ होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके जो है वो लार्वल गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो लार्वल गिल्स प्रेजेंट इन सेलेमेंडर इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ नियोटिनी। नेक्स्ट हम लोग पीडोजेनेसिस के एग्जाम्पल की बात करें, इज देयर इज अनदर गुड एग्जाम्पल, दैट इज लिवर फ्लूक। तो लिवर फ्लूक हम लोग देखेंगे आपका हेलमिंथ में, ये जो है आपके लार्वा में ही गोनैड का डेवलपमेंट हो जाता है, वहां पे आपका लार्वा ही दूसरे यंग वंस को प्रोड्यूस जो है करता है। सो दिस इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ पीडोजेनेसिस। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो अगेन सेलेमेंडर इज ए गुड एग्जाम्पल, सेलेमेंडर इज द गुड एग्जाम्पल इन फॉर पीडोजेनेसिस।
इन एम्फीबिया, ठीक है। तो सेलेमेंडर अगेन जो है, जो लार्वल सेलेमेंडर होते हैं आपके, उसमें ही गोनैड का डेवलपमेंट हो जाता है। सो इट इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। तो नेक्स्ट हम लोग इसको डिटेल में सेलेमेंडर की एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग डिटेल में देखते हैं नियोटिनी इन एम्फीबिया। तो नाउ हम लोग एम्फीबियन एग्जाम्पल को ही लेकर बात करेंगे। तो आपका सेलेमेंडर इज सम एक्वेटिक लार्वल्स, ठीक है, आपके यूरोडेल्स के, मीन्स ऐसे एम्फीबिया जिनमें आपकी टेल पाई जाती है। तो आपके कुछ ऐसे यूरोडेल लार्वा जो कि फेल हो जाते हैं ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, मीन्स उनमें लार्वल से एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाती है, एंड दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर एंड प्रोड्यूस एग्स। तो ये आपके जो है लार्वा ही वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और एग्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो हम बात करें यहाँ पे आपका, क्योंकि ये हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें मेटामॉर्फोसिस फेल हो जाती है, ठीक है, आपके जो भी एक्वेटिक यूरोडेल्स होते हैं इनमें जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इज दिस इज नियोटिनी और पीडोजेनेसिस? क्या ये नियोटिनी है या हम बात करें क्या ये पीडोजेनेसिस है? यहाँ पे हम लोग बात करें इन यूरोडेल्स, ठीक है, सेलेमेंडर, तो आपके जो दोनों प्रोसेस है नियोटिनी एंड पीडोजेनेसिस, बोथ प्रोसेस आर ओवरलैप्ड, ठीक है, इन दिस एम्फीबियन ग्रुप्स। ठीक है, अगर हम बात करें आपका तो इन एम्फीबिया क्लास बोथ, इन एम्फीबिया क्लास द एग्जाम्पल इज एक्वेटिक सेलेमेंडर, द नियोटिनी एंड पीडोजेनेसिस बोथ प्रोसेस आर ओवरलैप्ड विथ ईच अदर। तो यहाँ पे जो आपको एनिमल देखने से लग रहा है, ठीक है, सो द एनिमल लुक लाइक कि आपके एडल्ट में लार्वल करेक्टर रिटेन हो गए हैं, ठीक है। अगर हम इसके जो है लार्वा को देखें, सपोज अगर हम बात करें तो हम इसके लार्वा यानी एक्सलोटल लार्वा को देखें सेलेमेंडर के, जो कि आपका एक्वेटिक एम्फीबियन है, तो हम देखेंगे इट लुक लाइक एज ए एडल्ट। और हम जब इसके पास जो है आपका 3 पेयर एक्सटर्नल गिल्स पाया जाता है, तो देखने से हमें ऐसा लगेगा कि आपके एडल्ट के अंदर लार्वल करेक्टर रिटेन कर रहे हैं, मीन्स एडल्ट के अंदर आपका एक्सटर्नल गिल्स पाया जा रहा है, जो कि शो करता है कि ये नियोटिनी है, क्योंकि एडल्ट के अंदर लार्वल करेक्टर को रिटेन करना इज कॉल्ड नियोटिनी। और दिस मे बी कंसीडर एज लार्वा विच रिप्रोड्यूस, ठीक है। और कुछ लोग इसको या हम बात करें कुछ लोग इसको कंसीडर करते हैं कि ये आपका सेलेमेंडर का लार्वा है जो कि आपका रिप्रोड्यूस कर रहा है और ये मेटामॉर्फोज नहीं हो पाया है, मीन्स आपका दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पीडोजेनेसिस। तो इस लार्वा को देखने के बाद अगर हम बात करें इस एक्सलोटल लार्वा को देखने के बाद हमें दोनों प्रोसेस हमारी नियोटिनी और पीडोजेनेसिस ये दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है। सो बोथ द प्रोसेस आर ओवरलैप्ड इन एम्फीबियन। हम लोग बात करेंगे आपका क्लासिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द बोथ प्रोसेस, ठीक है, जिसमें दोनों प्रोसेस आपकी पाई जाए, दैट क्लासिकल एग्जाम्पल इज एक्सलोटल लार्वा। एक्सलोटल लार्वा तो एम्बायोस्टोमा में भी एम्बायोस्टोमा प्रेजेंट इन द मैक्सिको लेक्स, आपका मैक्सिको नाम के देश में ये पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज टाइगर सेलेमेंडर दैट इज प्रेजेंट इन द कोलोरेडो, तो आपका टाइगर सेलेमेंडर भी नियोटिनी का गुड एग्जांपल है, दैट इज प्रेजेंट इन द कोलोरेडो टाइगर सेलेमेंडर। और आपके एम्बायोस्टोमा में क्या होता है कि ये आपके वाटर फॉर्म से निकल करके लैंड फॉर्म में आकर के कन्वर्ट होते हैं बाय मेटामॉर्फोसिस टू एयर ब्रीदिंग फॉर्म, ठीक है, आपके वाटर फॉर्म से ये मेटामॉर्फोस्ड होते हैं और आकर के लैंड पे रहते हैं जहाँ पे ये एयर ब्रीदिंग कर सकते हैं। ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल कंडीशन द लार्वा ऑफ एम्बायोस्टोमा एंड टाइगर सेलेमेंडर डिड नॉट मेटामॉर्फोस्ड एंड ये मेटामॉर्फोस्ड नहीं हो पाते हैं एंड सम एक्सटर्नल गिल रिटेन्ड इन द लार्वा है एंड दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर और ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं एंड ले एक्स और फर्टाइल एक्स को ये ले करते हैं। ये सेक्सुअली मैच्योर होते हैं बट इनकी जब हम लोग मॉर्फोलॉजिकली देखें तो इमैच्योर लार्वल स्टेज, तो दे आर कॉल्ड एक्सोलोटल लार्वा। तो इसी लार्वा को हम लोग बोलते हैं, इनके लार्वा को एक्सोलोटल लार्वा, जिसमें आपके सेक्सुअली ये मैच्योर हो जाएंगे बट आपके एक्सटर्नल गिल जो है वो रिटेन करेंगे, मीन्स एक्सटर्नल गिल 3 पेयर प्रेजेंट रहेंगे। आपके गिल्स की प्रेजेंस की वजह से जब मेक्सिको में इसको पकड़ा गया था पहली बार, तो इन लोगों ने इसको एक्सोलोटल नाम दिया था। तो एक्सोलोटल का मीनिंग वहां पे होता है सर्वेंट ऑफ वाटर। तीनों तक आपको एक्सोलोटल को एक दूसरे ग्रुप में ही कंसिडर किया गया था, ठीक है, हम लोग एक्सोलोटल को ये नहीं मानते
जानते थे कि वो आपका एम्बायोस्टोमा या टाइगर सेलेमेंडर का लार्वा है, बल्कि एक्सोलोटल को एक, ठीक है, इसको एक अलग ग्रुप सैरिडॉन में रखा गया था बाई वैगलर 1830, ठीक है, 1830 में वैगलर ने इसको सिरिडॉन नाम के एक अलग ग्रुप में एक्सोलोटल लार्वा को रखा था। तो आफ्टर सम टाइम इन 1865 इसको जो है पेरिस ले जाया गया, और पेरिस ले जाने के बाद जब इसके एक्सटर्नल गिल को कट करके जो है रिमूव कर दिया गया, ठीक है, तो आफ्टर रिमूविंग दिस गिल्स दिस लार्वा कैन कन्वर्ट इनटू एडल्ट, तो ये अपने एडल्ट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे वो कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो आपके नियोटिनी को अफेक्ट करते हैं। देयर आर सम इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्टिंग द नियोटिनी, तो जिसकी जो आपके नियोटिन मतलब आपके लार्वल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, मींस मेटामॉर्फोसिस को अफेक्ट करते हैं, तो हम देखेंगे वो कौन कौन से रीज़न है। तो द फर्स्ट रीज़न इज अबंडेंस ऑफ फूड, ठीक है, फूड की अगर बहुत ज़्यादा मात्रा है, ठीक, मींस भरपूर जो है उनको भोजन मिल रहा है, एंड द टेम्परेचर इज कोल्ड, ठीक, और वहाँ का जो टेम्परेचर है वाटर में वो ठंडा है, एंड इनसफिशियंट आयोडीन, आपका आयोडीन की मात्रा जो है वो पानी में कम हो, ठीक, इनसफिशियंट आयोडीन। तो आयोडीन आपका एक कंपोनेंट होता है दैट थायरोक्सिन हार्मोन का, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलता है ये हार्मोन, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन का एक कंपोनेंट होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर द ग्रोथ, आपकी ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम आपको थायरोक्सिन या ग्रोथ हार्मोन वाला जो इंडोक्राइन पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि ये वहाँ पे कैसे यूजफुल होता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका आयोडीन इज अ कंपोनेंट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन दैट इंड्यूस द एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस, जिसकी वजह से आपके एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस इंड्यूस होती है। तो आप भाई बताइए, खाने की बहुत ज़्यादा मात्रा भी इंसान को कन्वर्ट नहीं होने दे रही, मीन्स कुछ काम नहीं करने दे रही है, उसी कंडीशन में पड़े रहो, ठीक है। तो मच फूड, बहुत ज़्यादा फूड, ठीक है, एबंडेंस ऑफ फूड, कोल्ड वाटर एंड इनसफिशियंट आयोडीन, ये आपके जो भी लार्वा है एक्सोलोटल लार्वा है उसको मेटामॉर्फोस्ड हो करके आपके एडल्ट सेलेमेंडर में कन्वर्ट नहीं होने देता है, ठीक है। इसी का आप जस्ट अपोजिट कर लीजिए, ठीक, ड्राइंग अप स्वाम्प्स, मीन्स आपके जितने भी दलदली एरिया है, स्वाम्प्स है, वो सब सूखने लगे, और लेक ऑफ फूड, आपके फूड की वहाँ पे कमी हो जाए, एंड द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो इन इन्वायरमेंट में, तो आपका जो भी लार्वा है वो लार्वा आपका मेटामॉर्फोस्ड हो जाएगा, मींस एक्सोलोटल लार्वा मेटामॉर्फोस्ड हो जाएगा इन एडल्ट सेलेमेंडर। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि आपका जो भी एक्सोलोटल लार्वा था जब उसको पेरिस ले जाया गया तो वहाँ पे उसके गिल को रिमूव किया गया, तो आफ्टर रिमूविंग द गिल्स द लार्वा कन्वर्ट मेटामॉर्फोस्ड इनटू द एडल्ट। तो उसी तरीके से आपका जब कुछ साइंटिस्टों ने एक्सोलोटल लार्वा को ट्रीट किया विथ थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन से ट्रीट किया जब लार्वा को, देन द लार्वा कन्वर्ट इनटू द एडल्ट सेलेमेंडर। तो आपका एक्सोलोटल लार्वा यहाँ पर भी थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ाने पर पानी में आपका जो है वो कन्वर्ट हो गया फ्रॉम लार्वल टू एडल्ट सेलेमेंडर। ये आपका एडल्ट सेलेमेंडर में कन्वर्ट हुआ तो हम देखेंगे वहाँ पे आपका जो भी एक्सटर्नल गिल्स थे वो एक्सटर्नल गिल्स आपके रिमूव हो जाते हैं, और आपका एडल्ट सेलेमेंडर एयर में ब्रीथ करने के लिए, मींस आपका लैंड पे रहने के लिए, टेरेस्ट्रियल पे रहने के लिए वो अडॉप्ट हो जाता है, उसमें लंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है। हम लोग यहाँ पे बात करें, जो भी आपका मेटामॉर्फोसिस का जीन होता है वो जीन आपका कुछ दिनों के लिए सप्रेस हो जाता है, बट आपका वो जीन उसकी एक्सोलोटल लार्वा की बॉडी से कहीं गया नहीं है। जैसे ही जीन को उसका प्रॉपर जो है इन्वायरमेंट मिला, ठीक है, आपका फूड की कमी हुई, को हॉट वाटर हुआ, मींस आपका ड्राइंग कंडीशन हुई, और आयोडीन की मात्रा यानी TSH की मात्रा जो है वो इन्वायरमेंट में बढ़ी, वैसे ही वो आपका लार्वा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दीज आर द टाइप्स ऑफ नियोटिनी। अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में, पार्सियल, तो नाम से ही पता चल रहा है दिस नियोटिनी इज पार्सियल, ठीक है, मीन्स थोड़े समय के लिए है जब तक आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज नहीं हो जाता। तो व्हेन द मेटामॉर्फोसिस डिले ड्यू टू द टेम्पोररी चेंजेस इन इकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन और इन्वायरमेंट,
ठीक है, केवल आपका टेम्प्रोरी चेंजेस है, जब तक इन्वायरमेंट आपका जो है चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तभी तक आपका जो भी लार्वा है वो लार्वल फॉर्म में रहेगा, उसके बाद आपका लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें, जैसे आपके विंटर में कुछ टैडपोल होते हैं तो वो आपके टैडपोल जल्दी मेटामॉर्फोज्ड नहीं होते हैं, मीन्स आपके जो लार्वा होते हैं टैडपोल लार्वा, अगर हम बात करें आपके फ्रॉग के, और ये टैडपोल लार्वा आपके मेटामॉर्फोज्ड नहीं होते हैं ड्यू टू द चेंजेस इन टेम्परेचर में। तो आपका उस समय इन्वायरमेंट काफ़ी ठंडा होता है विंटर में, तो इनमें जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ टेम्प्रोरली कुछ समय के लिए रुक जाती है जब तक आपके इन्वायरमेंट में चेंज ना हो। तो इस तरह की नियोटिनी आप पार्शियल नियोटिनी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट नियोटिनी, ठीक, इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में रुकी हुई है, ठीक, इंटरमीडिएट नियोटिनी। तो इट इज शोन बाय द एक्सोलोटल लार्वा, जो कि अभी हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा यहाँ पे, विच आल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो ये लार्वा आपके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और ये आपके मेटामॉर्फोज्ड हो जाएंगे अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन, ठीक है। जब भी हम इनको कोई आपके एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इनके दें, मतलब इनके मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस होने के लिए जो जो कंडीशन यहाँ पे डिसाइडेड है, मीन्स आपका फूड की कमी, सूखा पड़ना, ठीक है, और आपका आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होना, मीन्स आपका TSH हार्मोन की मात्रा, जैसे ही हम यहाँ पे ज़्यादा करेंगे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, तो आपका जो एक्सोलोटल लार्वा होगा दैट लार्वा कन्वर्ट इनटू द एडल्ट सेलेमेंडर, तो वो आपके एडल्ट टाइगर सेलेमेंडर में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ नियोटिनी, जहाँ पे आपका ये इंटरमीडिएट कंडीशन में रुका हुआ है, मीन्स आपका लार्वा लार्वल फॉर्म में है और वो लार्वा आपका रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, ठीक है, और वो एडल्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब उसको उसकी एक निश्चित सर्टेन आपका कंडीशन दी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें आपका टोटल नियोटिनी, ठीक है, जो आपके कुछ ऐसे एनिमल जो टोटल नियोटिनी शो करते हैं, करेंगे आपके कुछ सेलेमेंडर के एग्जांपल है नेक्टुअस, सेरीन एंड प्रोटियस, ठीक है, जो कि आपके परमानेंटली टोटल नियोटिनी शो करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इनको कोई लैबोरेटरी कंडीशन दें, मीन्स थायरॉक्सिन से इनको ट्रीट करें, तो भी ये आपके एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होते, थ्रू आउट आपके लार्वल फॉर्म में ही पाए जाते हैं। तो कुछ सिग्निफिकेंस हम लोग नियोटिनी का देखें, तो अकॉर्डिंग टू वीजमान 1875, तो नियोटिनी इज रिलेटेड टू इवोल्यूशन, नियोटिनी आपका इवोल्यूशन से रिलेटेड है, इट इज द रिविजन ऑफ एंसेस्ट्रल कंडीशन, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो भी आपका लार्वल कंडीशन में लार्वल कंडीशन मेटामॉर्फोज्ड होकर के आपके एडल्ट कंडीशन में नहीं चेंज होती है, तो ऐसा वीजमान जी ने कहा कि आपका जो भी एंसेस्ट्री है वो अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है, मीन्स आपके एंसेस्टर ऐसे ही रहे होंगे जैसे इनके लार्वा हैं, ये शो करता है आपका नियोटिनी, ये एक तरीके का आपका जो है वो इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। होप सो आपको नियोटिनी एंड पीडोजेनेसिस का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन एंड कमेंट्स गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक मोर वीडियोज। थैंक यू।